अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे मलाई बोटी, रमज़ान स्पेशल, अफ्तार स्पेशल। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन बोनलेस लिया हमने 1 किलो। इसको मैरिनेट करने के लिए चाहिए होगा हमें 1 टीस्पून फुल धनिया और ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून फुल वाइट पेपर। ये अब हम इसमें डाल देंगे सारा कुछ। उसके बाद जाएगा 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट और पपीता। पपीता ऑप्शनल है, आपके पास है तो ठीक है, वरना इसको थोड़ी देर आप ज़्यादा मैरिनेट कर लें तो वो भी चल जाएगा। ये हमने डाला, अब हम इसमें डालेंगे मलाई 1 टेबलस्पून फुल और दही ये हो जाएगा इसमें 4 टेबलस्पून फुल और चिकन क्यूब ये 1 पीस। इसको इस तरह से आप क्रश करके डाल दें। अभी मैं इसको मिक्स करूँगा। डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च, ये मेरे पास थोड़ा कम है लेकिन आप अभी मैं इसमें एक और चीज़ लीमू आधा लीमू लिया मैंने। इसके ऊपर फ्रेश फॉइल पेपर लगा दिया है, इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं, 4-5 घंटे भी रख सकते हैं। अगर ओवरनाइट करना है तो फिर पपीते की ज़रूरत नहीं है। ये मैरिनेशन टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इनको एक बार फिर मैं थोड़ा सा मिक्स करता हूँ। जी ये हमने लगा ली है सारी इस तरह से। तो पैन में बटर डाला है, अभी ये गर्म हो रहा है तो इसको हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। एक और चीज़ मैं भूल गया था, जो अदरक लहसुन पेस्ट 1 टेबलस्पून फुल, वो मैंने इस पे लगाने से पहले इसको अच्छी तरह मिक्स किया है। तो अभी ये देखें, अभी ये गर्म हो रहा है तो इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जी अभी हम इसको रखते हैं इसमें। आप चाहें तो इसको 180 से 20 मिनट के लिए अवन में बेक भी कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरह इसको आप कोई भी पैन ले लें, ज़रूरी नहीं कि इस तरह का ग्रिल पैन हो आपके पास। इसको तकरीबन 4 मिनट, 3 से 4 मिनट तक इसको पलटना नहीं, बिल्कुल इसी तरह रहने देना और आँच मीडियम होनी चाहिए। जी कुक टाइम तकरीबन 15 मिनट लगा इसको।